सरकार के 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ झारखंडी छात्रों का उग्र प्रदर्शन। हजारों छात्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। झारखंड बंदी घोषणा को लेकर लोगों से मांगा समर्थन। राज्य सरकार के 60-40 नियोजन नीति का पिछला 4 महीनों से झारखंडी छात्रों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। आंदोलन करने वाले छात्र संगठन खतियान आधारित वर्तमान राज्य सरकार के द्वारा 60-40 नियोजन नीति को लागू कर दिया गया है। इससे राज्य के मूलवासी छात्रों के द्वारा अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए प्रशासनिक अनुमति के साथ त्रिदिवसीय महा आंदोलन का ऐलान किया गया। इसे लेकर आज धनबाद शहर में हजारों छात्र जमा हुए। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत मशाल जुलूस निकालने को लेकर जमा हुए छात्र हाथों में मशाल वर्तमान 60-40 नीति विरोध की तख्ती लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अपना आक्रोश जताए। वहीं प्रदर्शन करने वाले छात्रों ने कहा कि झारखंड में 60-40 नियोजन नीति नहीं चलने देंगे, सरकार को यह वापस लेना होगा। झारखंड के मूलवासियों को छलने ठगने वाली नीति नहीं चलेगी। 19 अप्रैल को झारखंड बंद इसके विरोध में रहेगा। सभी लोगों से अपील करते हैं कि बंदी को सफल बनाने में अपना सहयोग दें। सभी सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सभी के माध्यम से आप लोग जिस प्रकार देख रहे हैं कि हम लोग के साथी नौजवान पढ़े लिखे युवा जो हम लोग को कल संवैधानिक रूप से सीएम आवास का घेराव कर रहे थे, उन पे लाठियां डंडा बरसाने का काम किया, सर फोड़ने का काम किया, बैल बकरी की तरफ बरसाने का काम किया। हम उनसे बोलना चाहते कि वो अगर मर जाए सीएम हेमंत सोरेन तो एक बार बाहरी आदमी के ऊपर बरसाने का काम करे। हेमंत सोरेन उसका बाप आंदोलनकारी था, उसका बेटा साला मर्द नहीं हो, ना मर्द है। जैसे उसके नामर्द के ऊपर आदिवासी मूलवासी युवा जो जिसके ऊपर लाठी डंडा बरसाने का काम किया। मैं बोलना चाहता हूँ कि 60-40 किया है, कौन है 40%? आप किसको दीजिएगा 40%? कौन बनता है वो? मतलब झारखंडी मरा, झारखंडी कटा है, तब झारखंड झारखंड मिला है तो 40% आप किसको दीजिएगा? यह 90-10 का वादा करके आए, 90-10 यहाँ रहेगा। 1932 का खतियान नियोजन नीति स्थानीय नीति लागू कीजिए। हम लोग झारखंड का आदिवासी मूलवासी युवा सड़क में रोड में उतरने का काम नहीं करेंगे, तुरंत हम लोग जाके पढ़ाई लिखाई करने का काम करेंगे। हम लोग का आग मारी हो रहा है, हम लोग का बहुत ही दिक्कत हो रहा है, इसीलिए हम लोग जाके रोड में उतरने का काम किया। नहीं तो हम लोग का कोई शौक नहीं है हम लोग रोड में उतरने का और ना ही आंदोलन करने का, हम लोग का कोई शौक नहीं है। हम लोग अभी तुरंत चल जाएंगे। हम बोलना चाहते हैं हेमंत सोरेन से, अगर मर्द का बच्चा है तो आप लोग 1932 को लागू करके दिखाई। जैसे जगन्नाथ महतो बोलता था कि गरबा में चढ़ के उमई जबर है, तैसे हम बोलना चाहते हैं जगन्नाथ महतो से। उसी प्रकार हम जगन्नाथ महतो का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार से हम हेमंत सोरेन का पिताजी, जिस प्रकार से हेमंत सोरेन का पिताजी गुरुजी शिबू सोरेन उसका हम सम्मान करते हैं कि पूरा झारखंड में लड़ के काट के आज झारखंड बनाया, उसका बेटा बेचने का काम कर रहा है। सबसे निवेदन होगा कि झारखंड में कल हम लोग झारखंड बंद करने का आह्वान किया है, सभी को समर्थन करें और जय झारखंड। धनबाद में नहीं चलने देंगे, कल संपूर्ण बंद है। सभी ऑटो चालक, व्यापारी संघ, दुकानदार संघ और बस चालक से हम इतना अनुरोध करेंगे, अपना बेटा खातिर, झारखंडियों का भविष्य खातिर, झारखंड छात्रों खातिर, कल आप स्वच्छता से दुकान बंद करें, बस बंद करें, ऑटो बंद करें। नहीं तो आपका बेटा जिसको आप पढ़ा रहे हैं नौकरी के लिए कि बेटा नौकरी करेगा, दरोगा बनेगा, सिपाही बनेगा, क्लर्क बनेगा, BDO बनेगा, CEO बनेगा, वो बेटा कल रोजी के लिए, रोजगार के लिए दर दर भटकेगा, जाना होगा गुजरात, जाना होगा बम्बई, जाना होगा दिल्ली। इसीलिए हम लोग कल धनबाद बंद कर रहे हैं और सबसे अनुरोध करते हैं, गौर लगाओ दादा, कल का आज संदेश है और भीड़ दिखाने का, छात्रों का ताकत दिखाने का कि इतना बड़ा धनबाद में इतना जबरदस्त भीड़, बिना कोई राजनीतिक संगठन के, बिना कोई किसी के पावर के, ना किसी के बुलावे पे छात्र आया है, अपने हक अधिकार के लिए आया है। कल बंदी करेंगे, कल संपूर्ण धनबाद बंद, श्रमिक चौक रांगाटार और प्रभु चौक पुटकी हम लोग बंद करने जा रहे हैं। सरकार को सीधा संदेश है, आप छात्र के लिए आए हैं, छात्र को नौकरी दीजिए, बाहरियों को नौकरी बेचने का काम नहीं कीजिए। नहीं तो हेमंत सोरेन आपको जिस तरह रघुवर दास का हाल किया उस तरह आपको हाल करने जा रहा है। झारखंड का युवा, झारखंड का बेटा नौकरी मांग रहा है, पढ़ लिख गया, झारखंड का बेटा रोजगार के लिए तरस रहा है, अब पढ़ाई के साथ रोजगार चाहिए। जय झारखंड, इतने बोलेंगे सबसे, कल झारखंड बंद है, धनबाद बंद है, जय झारखंड। जिस प्रकार से हम लोग झार
झारखंड सरकार को वोट देने का काम किया था, उस झारखंड सरकार हमारे युवाओं को छोड़ देने का काम कर रहा है और नजरअंदाज करने के काम कर रही है। कहीं ना कहीं इस सरकार इतना गुमनुमा हो चुकी है, इतना आंख कान के साथ साथ नाक बंद कर लिया है और अनदेखा करने की चाहत में है कि यहाँ के छात्र, यहाँ के माटी पुत्र पुत्रियों को दिशाहीन करने का कार्य कर रही है, पत्रोपी कर रही है, एकदम भेल बकरियों की तरफ पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, यहाँ के माटी पुत्र पुत्रियों के साथ नियोजन छीना जा रहा है, अधिकार छीना जा रहा है। तो हमारा पूर्वज, हमारा इतिहास ही है झारखंड लड़ के लिए है। हम झारखंड का एक विनोद बाबू ने नारा दिया था, पढ़ो और लड़ो, हम लोग पढ़ लिया, अब लड़ने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। अगर इस नीति के खिलाफ हम लोग विरोध कर ले 40 नहीं चलेगा, तो नहीं चलेगा। नया नियोजन नीति के साथ यहाँ माटी पुत्र पुत्रियों को अगर नौकरी नहीं मिलती है तो हम लोग पुरजोर आंदोलन करेंगे। और ये बस हम लोग टेलर दिखा रहे हैं, बस आंदोलन किए थे, करेंगे, हमारा इतिहास ही है, लड़ के लिए थे झारखंड, लड़ के लेंगे नियोजन। जय झारखंड, जोहर झारखंड।